हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लाए हैं ये पालक और ब्रेड से बिल्कुल यूनिक नाश्ता है। आप चाहे ये छोटी मोटी पार्टी हो, चाहे किटी पार्टी या बच्चों के लिए स्नैक्स, बहुत ही नया नाश्ता है। आप इसे बना के खाइए और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा नाश्ता। आप केचप के साथ खाइए इवनिंग टाइम पे। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने पालक पीस ली है। ये मैंने समथिंग एक कटोरी पालक है। अब इसको मैंने बहुत ही बारीक पीसी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम ऐसे ही पीस के रख लेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने पालक निकाल ली है। अब इसके लिए हम सबसे पहले तो हम इसमें ब्रेड ले लेंगे। इसमें मैंने दो तीन ब्रेड ले लिए हैं, आप इसका 4-5 ब्रेड इसमें समथिंग डाल सकते हो। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने तोड़ लिए हैं, आप देख सकते हो मैंने एक ब्रेड और ले लिया है। अब मैं इसको इसमें इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े डाल के अब मैं इसे मिला दूंगी। अब एक हम इसमें डो टाइप का हम बना लेंगे। देखिए, अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए, इसे मिला के हम मिला दिया है। आप चाहे इसे ब्रेड ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम एक तरफ इसे रख देते हैं। अब एक पैन लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद हम बारीक काट के इसमें हरी मिर्च डाल दिए, 2 मैंने। आप डालने के बाद मैंने एक प्याज ले लिया, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं 1 मिनट इसके लिए अच्छे से हम भून लेंगे प्याज के लिए। और इसके लिए और इसके बाद मैंने बहुत बारीक काट के मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकती हो। इसमें स्वीट कॉर्न हो तो स्वीट कॉर्न भी डाल सकती हो। आप देखिए, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। 1 टमाटर ले लिया है, उसको भी मैंने छोटा छोटा करके काट के इसमें मिक्स कर दिया है। आपके पास गाजर हो, गाजर भी ऐड कर सकते हो। जो मेरे पास था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा मैगी मसाला। आपके पास बेसिक घर पे जो भी मसाले हो, हल्दी मिर्च, आप वो भी इसमें डाल सकते हो। मैंने इसमें मैगी मसाला मिक्स कर दिया है। अब मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है, 1/2 चम्मच। अब इसके बाद मैं इसमें एक मटर है, ये 1/2 कटोरी मैंने मटर डाल दी है, ये भी बॉयल करी हुई मटर है। और इसमें भी इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके लिए सबसे पहले इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और ये एक आलू मैंने ले लिया है, वो भी मैंने बॉयल करा हुआ ग्रेट कर लिया है मैंने, वो भी इसमें सबको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लें। देखिए, और हम इसको प्रॉपर चलाते रहें। और इसके लिए हमारा पानी बिल्कुल इसमें जो भी हल्का फुल्का लगे तो बिल्कुल भी पानी ना रहे, गीला गीला बिल्कुल ना रहे। और गीला आपको लगे तो इसमें आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हो। अब देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले जो ब्रेड और मैंने पालक पीसी थी वो इसमें सबको मिक्स कर लूँगी। और इससे नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। अभी हमें थोड़ा थोड़ा सा गीला लग रहा है, देखिए पहले हम सबसे पहले मिक्स कर लें। अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, अब हमने सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डाल देते हैं 2-3 चम्मच इसमें चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें मैदा भी यूज कर सकते हो। अब इसको भी हम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हमारे सब मिक्स हो गया है, अब एक बर्तन में मैं अलग निकाल लेती हूँ। अब देखिए, हमने अलग निकाल लिया है। इधर मैंने एक कटोरी ले ली है, कटोरी में इसमें मैदा घोल लिए। मैदे को हम अच्छे से घोल लेंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे हम
थोड़ा सा पतला करके। अब इधर हमने ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही तैयार कर लिया है, आप चाहे रेडीमेड तैयार कर सकते हो। अब मैं एक छोटे छोटे से इसके रोल बना लेंगे, आप शेप कोई भी दे सकते हो। अब देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे एक फिंगर बराबर मैंने इसके, अब मैं इसमें डिप कर लूँगी मैदे में। अब हम ब्रेड क्रम में अब देखिए अब हम ब्रेड क्रम में इसमें डाल देते हैं। अब हाथों से हम उठा के इसे थोड़ा सा हाथ से हम चला लेंगे, क्योंकि अगर कढ़ाई में हम इसे फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स हैं वो कढ़ाई में फैल जाएंगे, इसलिए हमने हाथों से थोड़े से मिक्स कर लिए हैं। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। देखिए डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम इस तरह से मैंने हाथों से सब इसी तरह से बना के रख लिए हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, इसी तरीके से आप कभी भी फ्राई करके खा सकते हो। अब हमारी कढ़ाई का तेल भी थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम मीडियम फ्लेम में इसे सेक लेंगे। अब देखिए हमने एक मिनट के बाद इसे उलट पलट लेंगे। अब देखिए मैंने पलट लिए हैं, अब इसे हम एक दो मिनट के लिए हम ऐसे ही उलट पलट करते रहेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये। देखिए हमने सबको अच्छे से पलट लिया है, अब देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं ये। अब हम इनके टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं एक एक करके। आप देखिए ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं, पालक और ब्रेड का बिल्कुल नया नाश्ता। आप इसे केचप के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है ये नाश्ता। देखिए फॉक से बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं, और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए हमारे तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।